मेरे बेटे का पता चल गया? कहाँ है फवाद? तसल्ली रखो बेगम, फवाद का पता चल गया। अच्छा, तो आप उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। वो ठीक है बेगम, जल्द हमारे साथ होगा। तुम बस दुआ करो कि हालात हमारे हक में बेहतर हो। आखिर आप खुलकर बताते क्यों नहीं है कि आखिर बात क्या है? है कहाँ वो? मामा, पापा कह रहे हैं ना कि वो समय कर। मैं, आप आइए प्लीज, आपकी तबीयत खराब है, आप क्यों टेंशन ले रहे? तो मुझे बताओ तो सही ना, है कहाँ वो? ठीक है, जहाँ भी है वो ठीक है। वकील से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई थी। कह रहा था कि जमानत बहुत मुश्किल है। कोई तो हल होगा ना, आपने देखा था कैसा मार रहे थे फवाद को, जान से मार देंगे वो लोग। मुझे तो इंस्पेक्टर का रवैया समझ में नहीं आ रहा, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अम्मी, बाबा जान का कातिल गिरफ्तार हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक। जब तक उसे सख्त से सख्त सजा ना हो जाए, मेरे दिल को चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? अब आपने आगे क्या सोचा? मेरा मतलब है हलवा के बारे में। तुम्हें क्या लगता है? सलवा अलमीर के निकाह में है, उसकी बीवी है, इस रिश्ते को आगे क्या मोड़ देना है, ये सोचा है आपने? ये रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारे बाबा जान की जान ली थी। लेकिन ये तो जबानी कलामी बात है, सलवा इस बारे में क्या कहेगी? सलवा से कौन पूछ रहा? अब भी अगर इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहेगी तो बड़ी बेहद बाप की जान पर अपनी खुशियों का सौदा कैसे कर सकती है? तलाक के कागजात तैयार कराओ, सलवा को इस रिश्ते से आजाद हो। अम्मी, एक बार सलवा से पूछ लें तो? मैंने कहा ना, तुम तलाक के कागजात तैयार करवाओ। मैं जल्द अज जल्द सलवा को इस रिश्ते से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने जा रहा है,
मैंने खुद अपने कानों से सुना है, खाला शेरदिल से इस रिश्ते के हवाले से यही कह रही थी। लेकिन इसमें मेरा और अलमीर का क्या कसूर है? अभी तो मेरी आंखों ने ख्वाब सजाने शुरू किए थे, अभी तो खुशियां मेरे आसपास रक्स कर रही थी। ये अचानक क्या हो गया? मैं कैसे संभाल सकूंगी ये सब कुछ? ये तुम क्या कह रही हो? जी मैंने अपने कानों से सुना है, खाला शेरदिल से यही कह रही थी। जिस तरफ हालात जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सलवा का रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। लेकिन उन दोनों को तो निकाह हो गया है, और ये तो एक हादसा था, गोली तो किसी को भी लग सकती थी। सलवा बेचारी ने तो अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुमने सलवा को भी बता दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें हमना। मन की डोर छूट जाने को है, साहिल पे ख्वाब डूब जाने को है। राबता क्या हमारा उलझनों की वजह से टूट जाने को है। इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था, बेवजह एक जुनून इश्क था रूबरू। आई इधर आओ। पर लेकिन आप कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल को शादी होकर ससुराल जाओगी तो क्या नाक कटवाओगी हमारी? ओह माय गॉड, इतना की सारी बातें ये ससुराल में आके क्यों खत्म होती है? आपको छोड़ के ना मैं कहीं जाने नहीं वाली, हमेशा आपको पास रहूंगी। चंद दिन पहले इस घर में कितनी रौनक थी, लगता है मेरी अपनी नजर लग गई इस घर को। ऐसी बात मत करें आप प्लीज। कभी लॉन में, कभी टीवी देखते हुए, कभी किचन में, कभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए कितनी डांट खाती थी मुझसे। ऐन आहिस्ता बोलो, ऐन आहिस्ता बोलो, बच्चों वाली हरकतें तुम कब छोड़ोगे? देख रहे हो कैसा मौत का सन्नाटा इस घर में। दुआ कीजिए ना उसके लिए, कहते हैं मां की दुआ तो जरूर लगती है अपने बच्चों को। देखिएगा आयान, आयान उठेगी, आप उसे फिर से उसी तरह डांटेंगी और वो उसी तरह हंसेगी, मुस्कुराएगी, आपको छेड़ेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, इन्हें आप ले जा सकते हैं। थैंक यू ऑफिसर। चलो भाई वो फवाद, चलो घर चले, उसके घर वाले यहाँ मौजूद है, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन वो मेरा दोस्त है। उसी की वजह से आज यहाँ तुम मौजूद हो, चलो उठो।
चलो घर चलो 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 तुम। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस है, मुखालिफ पार्टी का बंदा मरा है और आलाए कत्ल भी बरामद हो चुका है जिस पर आपके बेटे की उंगलियों के वाजे निशानात हैं। और दूसरी बात ये कि वो मौके वारदात से फरार हो गया, मकामी थाना पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया है। जमानत तो काफ़ी मुश्किल है मगर मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूं। आप दोनों को वापस चले जाना चाहिए, वहां काम का कितना हर्ज हो रहा है। बेगम चले जाएंगे, अब इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों भाई बिलाल, दुकान का काम तो संभाला हुआ है ना? जी जी अबू सब सेट है, जब ही तो मैं यहाँ चला आया। कुछ दिन रह लेते हैं फिर चले जाएंगे, तुम्हें तो हमारा आराम भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं और हम ना है ना यहाँ पे, और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगता पूरा खानदान यहाँ आबाद हो जाए। और अगर सच में आबाद हो जाए यहाँ तो? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे। वैसे एक बात तो बताओ बेगम। बोले। अब तुम्हारी भांजी का क्या होगा? आपका इससे क्या लेना देना, जो होना होगा हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो बस वैसे ही दिल में सवाल आया था तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। अब्बू फिलहाल अम्मी का मुंह ठीक नहीं लग रहा, आप मेरे साथ बाहर चलें, कहीं ऐसा ना हो हमारी कल ही की डेटे करवा दें। क्या खुसर पुसर चल रही है? नहीं अम्मी कुछ नहीं, वो मैं अब्बू को सिर्फ ये समझा रहा था कि हम दूसरों के झगड़े में टांग अड़ा रहे हैं। भाई शेरदिल और खाला का जो दिल करेगा वो उसके लिए वही करेंगे, क्यों अबू? हाँ हाँ यही तो कह रहा है। चलो भाई बेटा, जरा मुझे दुकान के बारे में तुमसे बात करनी है, आ जाओ तुम। चाय छोड़ो, कम ऑन। आफ्टर यू। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इन पेपर्स पर सलवा के साइन चाहिए। वो साइन कर तो देगी ना? उसे करने ही होंगे। आज फिर हम उसी दोराहे पे खड़े हैं सलवा। उस वक्त तुम्हारा बाप तुम्हारे आगे हारा था, आज तुम्हारी बारी है। वहाज साहब, जिस तरह से आपने इस केस को कवर किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने को। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और पहली बात यह कि अब तो हम दोनों में दोस्ती हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे वहाज कह सकते हो। और दूसरा यह कि पड़ोसी हैं हम, पड़ोसी होने का भी तो कोई हक होता है ना। शेरदिल मुजरिम बहुत चालाक था, शुरू में हमारे काबू नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने मुखबिरी का ऐसा जाल बिछाया
कि आखिर पकड़ा गया। और अब तुम देखना मैं कैसे खुद उसे उसके अंजाम तक पहुंचाता। मैं भी उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक उसको अपनी आंखों से फांसी के फंदे पे ना देख लूं। फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो वक्त आएगा। बहुत जल्द उसे जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद फांसी के फंदे पर। लेकिन एक मशवरा था, अगर बेहतर लगे तो मान भी सकते हो। देखो, जल्द से जल्द अपनी बहन की उस फैमिली से जान छोड़ो। लड़के के साथ वो नहीं रह सकती है, आखिर कातिल है वो, और वो भी तुम दोनों के बाप का। हम बहुत जल्द उनसे पीछा छुड़ाने वाले हैं। तलाक के कागजात तैयार हैं और कुछ ही दिनों में सलवा इस रिश्ते से आजाद हो जाएगी। जितनी जल्दी ये हो जाए उतना अच्छा होगा। चाय तो लें, ठंडी हो रही। थैंक यू। पापा, मेरे ख्याल में हमें अलमीर को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। जब उसे पता चलेगा तो वो सख्त नाराज होगा। देखो, मैं तो वहां जाना ही नहीं चाह रहा था। वहां के हालात ही अनएक्सपेक्टेड थे। तो तुम्हारी माँ को भी उसकी जिद की वजह से लाया हूँ। हालात जैसे भी हो मुराद, मैं अपने बच्चे की खातिर उनके कदमों में गिर पड़ूंगी। एक बेटा मेरा हवालात में है, दूसरा जैसी जिंदगी गुजार रहा है मैं नहीं देख सकती। उसमें समझाओ अपनी माँ को, उस घर का सरपरस्त चला गया है, हमसे ज्यादा कयामत तो वहाँ टूटी है। मामा प्लीज। सलवा, क्यों आए हैं ये लोग यहाँ? रिफत बहन, रिफत इद्दत में है, वो आप लोगों से नहीं मिल सकती। देखिए, आप बेशक हमसे नाराजगी और गुस्से का इजहार कर सकती हैं, मगर यकीन कीजिए कि हमारा उस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं था। भाई साहब का इस तरह दुनिया से चले जाना खुद हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। आवाज बच्चा है, खुशी के मौके पे जो भी हादसा पेश आया उसके लिए हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, और आपके घर में हमारी इज्जत, हमारी बहू मौजूद है। खबरदार, जो आपने एक लफ्ज भी कहा हो इससे आगे, सलवाकार आपके बेटे से, आपके घर से कोई रिश्ता नहीं है। आप हमें जो सजा दें हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह से रिश्ते को खत्म ना कीजिए। मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगी, लेकिन आप लोगों से रिश्ता नामुमकिन है। इससे पहले कि मेरा बेटा आ जाए, चले जाए आप लोग यहाँ से। अब प्लीज आप हमारी बात तो सुने। रिफत, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? मैं कह रही हूँ आप लोग चले जाए यहाँ से। मैं चाहूँ तो आपको धक्के मार के भी निकलवा सकती हूँ। इसे चले जाए यहाँ से। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सलवा के घर से। सलवा के घर से? पापा, मैंने आपको मना भी किया था वहां जाने के लिए, क्यों गए आप लोग? तो मम्मी को ले। क्या हुआ है वहां? उन लोगों ने मामा से कुछ कहा तो नहीं है, या आपसे की बदतमीजी तो नहीं की? रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। हम तो वहां हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा।
वो बहुत ही शरीफ और तमीजदार खानदान है। मुझे तो फख्र होता तुम्हारे लिए उस खानदान पर, लेकिन मां क्या बात हुई आपकी? सल्फा से मुलाकात हुई आपकी? बेटा रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पड़ गई है, बस दुआ करो कि कोई मुआवजा हो जाए। सल्फा को डिसीजन लेना होगा, सब कुछ उसी के हाथ में। मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ जरूर देगी, उसे मेरा साथ देना ही होगा। आज मैं बहुत खुश हूं, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें दुख देने वालों के आराम के दिन चले गए, अब हर गुजरता लम्हा उनके लिए असीयत लेकर आएगा। अलमीर और सलवा ने तुम्हें धोखा दिया था, अलमीर ने तुमसे बेवफाई की और सलवा ने तुम्हारी दोस्त होकर तुम्हें ठसा। उन दोनों की जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगा मैं, सलवा को अलमीर से इतने फासले पर ले जाऊंगा कि वो जितनी भी कोशिश कर ले उसके पास नहीं आ सकेगा। अलमीर वो भी उसी अजियत से गुजरेगा जिससे आज तुम गुजर रही हो। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फरियाद करेंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, समझो? आज से तुम्हारे दुश्मनों के बुरे वक्त की उल्टी गिनती शुरू। इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था, बेवजह सही एक कागजात पर साइन कर दो। कैसे कागजात? तुमसे जितना कहा है ना उतना करो। फिर भी अम्मी बताएं कैसे कागजात हैं ये? तलाक के कागजात हैं। तलाक के कागजात? तुम्हारी और अलमीर की तलाक के कागजात हैं। लो अम्मी प्लीज, आप जानती भी हैं आप कह क्या रही हैं? अच्छी तरह जानती हूं क्या कह रही हूं मैं। आप कैसी मां हैं? आप अपनी बेटी की तलाक करवाना चाह रही हैं? मेरी एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो सलवा, तुम्हारा अलमीर से अब कोई ताल्लुक नहीं है, खत्म हो गए थे सब रिश्ते तुम्हारे बाप के जाते ही। इसलिए जितनी जल्दी इन कागजात पे साइन कर दोगी उतना अच्छा है। वो फिर गाना नहीं गा रहा। अच्छा है, भूखा रहने दो उसे। कुछ देर जब भूखा रहेगा तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी।
उसके घर से जो खाना आ रहा है वो तो नहीं दे रहे ना उसे? नहीं सर। वो मत देना उसे, वो हमारी दाल रोटी खिलाना। दाल रोटी खाएगा तो जिंदगी की हकीकत उस पर वाजे हो जाएगी। जाओ। सुनो। जी सर। एक काम करो, खाना लेकर तो आओ जरा, देखते हैं कैसे नहीं खाता। जाओ जल्दी से। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? प्लीज मुझे यहां से निकाल दे, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, पर प्लीज मुझे यहां से निकाल दे। रिश्वत दे रहे हो मुझे, रिश्वत दे रहे हो? खोलो ये, खोलो। नहीं नहीं, जानता है मैं कौन हूं? जानता है कौन हूं मैं? एएसपी वहाज नाम है मेरा। तुझे और तेरे खानदान को नाको नाक चने ना चपवा दिए ना मैंने, तो मेरा नाम बदल देना, समझा? अब बैठो तुम। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, पता है? मर जाएगा तू। और हम क्या करेंगे? कुछ दिन तेरी लाश यहां पड़ी रहेगी, गलेगी, सड़ेगी, और फिर तेरे लवाहिकीन को दे देंगे, केस खत्म, है ना? अभी तो तुझे जिंदा रहना है बेटा, बहुत से काम करने हैं मैंने तेरे थ्रू, उसके लिए दाल रोटी खानी तो बहुत जरूरी है ना। बैठ, खाना लाओ, इसका सामने रखो। चल खा खा खा। खा। शाबाश, मेरी बात मान, कुछ अरसे के लिए अपनी ये नवाबी वाली जिंदगी भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो शायद सारी जिंदगी यही दाल रोटी खाओगे। खाओ, गुड बॉय। इस पर नजर रखो, एक एक निवाला खाना पड़ेगा इसको, और अगर ना खाए तो इसको डंडे मारना, सारी भूख खत्म हो जाएगी इसकी। बंद करो। इस पर साइन करने का मतलब है कि मैंने अलमीर को पाकर भी खो दिया। नहीं, मैं हर केस इस पर साइन नहीं करूंगी। इससे तो बेहतर था कि मैं उसी दिन मर जाती। साइन कर दिया तुमने पेपर्स पे? क्यों घर वालों को परेशान कर रही हो? ऐसे भी सोचने वाली बात है, तुम उस फैमिली में किस तरह सरवाइव कर सकती हो जिन्होंने बाबा जान की जान ली है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे तो कोई ऐसे खास इमोशंस भी नहीं रहे उस फैमिली से, और खासकर अलमीर से। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? ना तुम अलमीर को जानती हो ना उसके घर वालों को, तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। मेरा मशवरा मानो, इन पेपर्स पे साइन करो। अगर आपने और कुछ नहीं किया तो आप जा सकती हैं। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए।
किन हवाओं में हो बीबी, जमीन पर वापस आ जाओ। भाभी ये पेपर्स प्लीज ले जाए, मेरा इन पर साइन करने का कोई इरादा नहीं है। जी सर। सर मैं अभी उसी फाइल को स्टडी कर रहा था, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर गौर कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन सर ये केस इतना आसान नहीं है, बहुत झोल नजर आ रहा है इसमें। राइट सर, श्योर सर, आई विल। सर डोंट वरी, अगर मुलजिम बेकसूर है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे सजा ना हो पाए। ऑलराइट सर, बाय। हेलो इफ्तिखार मर्डर केस से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और सबूत हैं वो मुझे भिजवा दो, लेकिन जरा जल्दी। हवाई फायर किया गया तो गोली सामने से कैसे लगी? आई सी, इसका मतलब यह है कि गोली जरूर सामने से चलाई गई होगी। तुम मुझे मेरे ही भाई से मिलने से कैसे रोक सकते हो? देखिए जनाब, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, हमें इजाजत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, इजाजत नहीं है यार? एक मिनट, क्या क्या शोर हो रहा है? सर ये आदमी जबरदस्ती बदतमीजी कर रहा है अंदर जाने के लिए। बदतमीजी नहीं कर रहा मैं। एक मिनट, तुम जाओ। राइट सर। शक्ल से तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, थाने के रूल्स रेगुलेशंस इनके बारे में भी अच्छे से पता होगा, लेकिन थाने में आकर शोर करने का क्या नतीजा है इसके बारे में जानते हो? मुझे मेरे भाई से मिलना है। कत्ल का मुल्जिम है वो, कत्ल के मुल्जिम से इतनी आसानी से नहीं मिला जा सकता। एक बार जेल चला जाएगा, उसके बाद जितनी बार दिल चाहे उससे मिल लेना। मुझे अभी और इसी वक्त उससे मिलना है। आहिस्ता बात। अच्छा जाओ, जाओ जाके मिल लो उससे, लेकिन एक बात याद रखो, ये पुलिस स्टेशन है, यहां तुम्हारी फरमाशी नहीं चलेगी। जिस हाल में तुमने मेरी बहन को पहुंचाया है उससे बदतर हाल कर दूंगा मैं तुम सबका। नाक से जमीन पर लकीरें ना निकलवाई तो मेरा नाम वहाज नहीं। हमने इन कागजात पर अभी तक साइन क्यों नहीं किए? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे कुछ नहीं समझना और ना तुमसे कुछ सुनना है। जल्दी साइन करो। साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। सलवा तुम्हें ये साइन करने, तुम जाओ, जाओ यहां से। अम्मी आप सलवा को एक बात समझा दें कि मुझे इन कागजात पर साइन चाहिए ही चाहिए। अच्छा मैं कराती हूं ना, लाओ दो मुझे, तुम जाओ। देख लिया अपने भाई का गुस्सा? अभी तो उसे यह पता नहीं है कि शादी में तुम्हारे बाप की रजामंदी शामिल नहीं थी, तुमने ब्लैकमेल करके उन्हें राजी किया था। सोचो अगर उसे पता चल जाए तो। वो बाप थे तुम्हारे,
मोहब्बत करते थे तुमसे, तुम्हारी खुशी की खातिर उन्होंने वो किया जो शायद वो मरकर भी ना करते। जो शायद सिर्फ एक बाप ही अपनी औलाद के लिए कर सकता है। वो उनकी मोहब्बत का इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब हुए, और ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर तुम्हें अपने बाप से जरा सी भी मोहब्बत थी तो साइन करो इन पर। वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आप क्या कह रहे हैं? अम्मी, अब बेशक अपने हाथों से मेरा गला घोट दे, खुदा के लिए इस जुल्म मत करें मुझ पे। हमने जुल्म किया है तुम पर या तुमने जुल्म किया है हम पर? तुम्हारी ख्वाहिश पर और तुम्हारे बाप ने अपनी जान की भेंट चढ़ा दी। और क्या चाहती हो तुम? जान लेना चाहती हो हम सब की? तो एक ही बार जहर दे दो हमें। साइन करोगी या नहीं? फिर मैं भी जान दे दूंगी अपनी। अभी, मत करें। अब जाओ, दूर हो जाओ मुझसे।